मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाए 10% का डिस्काउंट। मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाए। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास टोल नाके से लगकर एक बिल्डिंग झुकने का मामला सामने आया, जिसको लेकर मुमरा शहर में हंगामा मच गया है। दरअसल क्या था पूरा मामला, हम आपको आधिकारिक बयान में सुनाएंगे। इलाके के समाज सेवक की बयान हमारी इस खबर में भी आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, जिस तरह से हवा चली बिल्डिंग झुक गई है, तो कहीं ना कहीं अब ग्रीन विल्ला बिल्डिंग यानी जिसमें 32 टेनेंट रहते हैं, उस बिल्डिंग की जांच का विषय अब सामने आ गया है। अधिकारी जांच में जुटे हैं, लेकिन उसी बिल्डिंग से लगकर MMRDA का काम चल रहा है। बिल्डिंग से लगकर कई फीट खुदाई किया है, जिसके चलते आशंका जताई जा रही है कोई हादसा हो सकती है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें, ये ग्रीन विल्ला इमारत है जिसमें 32 टेनेंट रहते हैं। उन्हें तत्काल TMC ने खाली कराने का निर्णय लिया है, जिसके बाद टेनेंट और अधिकारी सागर सालुंखे, धनंजय गोसावी और रसीद कंपाउंड इलाके के समाज सेवक रेहान पित्तलवाला ने काफी जद्दोजहद की। काफी मशक्कत के बाद हल निकाला गया है। अब 32 टेनेंट को कल सुबह दोस्ती के पीछे MMRDA बिल्डिंग में 3 महीने के लिए शिफ्टिंग किया जाएगा, यानी शिफ्ट किया जाएगा, और तब तक इस बिल्डिंग को रिपेयर करके टेनेंट को वापस उसी इमारत में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल के लिए स्कूल में एक रात गुजारने की अपील की है सागर सालुंग के धनंजय गोसावी ने। इस दौरान अधिकारी ने और रेहान पित्तलवाला ने क्या कुछ कहा है, वो हमारी इस खबर में आप सुनेंगे। और उससे पहले ये भी हम आपको बता दें कि जो टेनेंट हैं, वो टेनेंट किस तरह से अपील कर रहे हैं, कब तक उस बिल्डिंग में इमारत में रहने दिया जाएगा। फिलहाल आप पूरी इस खबर में हमारे सुनिएगा। आप एक ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वाई जंक्शन के आगे टोलना के पास ग्रीन विला करके अपार्टमेंट है, तो उस बिल्डिंग से तकरार प्राप्त हुई थी कि बिल्डिंग झुक गई है करके। तो उसी हिसाब से सभी प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ के आके पानी की, तो ऐसा लग रहा है थोड़ी आशंका लग रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है करके। तो अभी फिलहाल सभी जो रहीवासी उनको खाली किया जा रहा है और बिल्डिंग को है जो लॉक करके, जो टेक्निकली उसकी जो RCC कंसल्टेंट से टेक्निकल वर्क की तपास करनी जांच चालू। अभी जो लोग इसमें टेनेंट रह रहे थे उन्हें कहाँ शिफ्ट मतलब किया जा रहा है, अभी तो आप खाली करा रहे हैं, कहाँ शिफ्ट करेंगे? फिलहाल हम लोग वो डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन आप उनकी जान की हिफाजत के लिए पहले खाली करके ले रहे हैं हम लोग, उसके बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना रहे। मैंने अभी कहा वैसे कि फिलहाल तो उनकी जान की इसके लिए जान की हिफाजत के लिए खाली करके ले रहे हैं, आगे का डिसीजन हम लेंगे कुछ वक्त में। 20 दिन पहले एक राउंड लिया था एमएलडी के साथ का, ऑफिसर के साथ में, और ये रिटर्न वाले जब कंस्ट्रक्ट करने का था उनको, तो उनको बोला गया था कि ये जो ग्राउंड है इधर हार्ड रॉक बहुत नीचे है, इसके लिए काम करते टाइम पर 10-10 फुट का तुम काम करेंगे तो बिल्डिंग को भी अपने को तकलीफ नहीं होने वाली। मगर उन्होंने 40-50 फुट का पट्टा वन स्टॉक में खोद दिया और उसका रिजल्ट ऐसा हो गया कि वो सीपेज वाटर था वो उसकी बिल्डिंग के फाउंडेशन में चला गया। इसके लिए वो बिल्डिंग थोड़ी वन पोर्शन है जो कॉर्नर का है वो टिल्ट हो गया है, ये तो बात सही है। पहले लोगों की जान बचाना जरूरी है, इसके लिए तुरंत उनके जो चीफ इंजीनियर है MY पाटिल साहब, उनको ये सब हकीकत बता दी और उनको बोला कि इनका पुनर्वसन करना जरूरी है। तो उन्होंने बोले कि तुमको हम चाबी दे देते हैं कल सवेरे तक, और वो अपने हमारे जो स्टेट मैनेजर है उनके पास वो चाबी दे देंगे, उधर से हम चाबी ला के उन लोगों को चाबी कल सवेरे 11-12 बजे तक चाबी अपन दे देंगे, 3 महीने बेसिस पर दे देंगे। और इसका ऑडिट भी तुरंत हमने चालू किया है, आपने जो TMC के पैनल के जो ऑडिटर है चवन साहब, उनको बुलाया तुरंत, वो भी आ गए और उनको बिल्डिंग का चेकिंग अपना चालू कर दिया है। अब जो भी होएगा हम तो कम से कम में कराएंगे, TMC को ऑडिटर लाएंगे जो पैनल पे है अपना सर्वेयर साहब इनसे करेंगे, चौहान साहब है इनसे करेंगे, लेकिन सब गरीब लोग किधर से लाएंगे पैसा बताओ ना। अगर इनकी कंडीशन इनके देख लो, इनके घर में खाने के बाद ये लोग कहां से लाएंगे?
सर थोड़ी बहुत तो लाइबिलिटी लेना पड़ेगी ना एमएमआरडी को। मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ 1 करोड़ रुपया तो जो ये चौहान साहब के पैनल में जो रिपोर्ट है वो करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चौहान साहब है हमारे इधर पे 5-10 बिल्डिंग रिपेयर की है, हमको इन पे ट्रस्ट है, ये टीएमसी के पैनल पे भी है, हमारे ऊपर मत बिलीव करो, आप इनके ऊपर बिलीव करो। तो साहब आज ये एक डिसीजन तो साहब लेना पड़ेगा ना, इतने गरीब लोग किधर जाएंगे मेरे। 2 महीने से साहब ये 1 मिनट, ये इनका, ये इनके रूम है, ये इनकी हालत देखो, तो ये किधर से पैसा लाएंगे। 1 मिनट चुप बैठो, 5 मिनट बात कर रहे। पहले तुम बिल्डिंग खाली, फिर हम तुमसे बात करें। साहब सब सब का बोलने का मतलब है, गोसावी साहब का शब्द है, गोसावी साहब शिफ्टिंग देंगे, हम अब भी खाली करते जरा सबर कर लो। मैं घर भी दिला रहा, इतने सारे लोगों को कोई नहीं निकाल रहा, घर से बाहर कर रहा। 32 का साहब हमको ज्यादा नहीं चाहिए, 1 रुपया आपसे ज्यादा नहीं चाहिए, ये हमारे चौहान साहब। इनका पहले चाबी का बंदोबस्त, चलो चाबी का बंदोबस्त, सुनो मेरी बात सब लोग, 2 महीने के लिए गोसावी साहब कमिश्नर साहब से बात करके, साहब से बात करके चाबी के लिए खर्चे का सवाल हो गया, वो एमएमआरडी आपको बिल्डिंग रिपेयरिंग करके दे रही है, ठीक है। और 2 महीने के लिए जब तक कि आप घर से बाहर रहेंगे उस टाइम में करके देगी, और 2 महीने के लिए आपको रहने की जगह देगी, ठीक है। वो छोड़ने का नहीं, वो खाली नहीं करने का ना, रूम दे रहे ना, काम खत्म होने तक, ठीक है। मैं भी सब समझता हूँ कि गरीब लोग है, 32 अरे 32 है भाई, सब सोल्यूशन क्या है, रिपेयरिंग का निकाला, शिफ्टिंग का निकाला, अभी खाली करना इमरजेंसी में स्कूल में चलो। सब लोग सुनो मेरी बात, हर चीज का मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। आपको दोस्ती में रूम मिल रहा है रहने के लिए, सबका चाबी मैं लाके रेहान भाई के पास से, या हमारे बॉस आएंगे उनसे हाथ से तुमको बांटेगा, ये क्लियर हो गई। और जब तक रिपेयर नहीं होता है, ये मेरे पैसा नहीं देता है, सबके सामने बोलता हूँ, और साहब को भी पूछा है मैं ऊपर वाले साहब को, तब तक तुम उधर ही रहे दोस्ती के रूम में रहेगा, वो ये रिपेयर होने के बाद में इधर आना ही पड़ेगा, ये भी बात। और सुनो मेरी बात दूसरी, उसका पैसा भी साहब ने बोल के एमएमआरडी से लेंगे, वो तैयार है, आपको तैयार है देने के लिए। तो मैं आपका इतना खाली एक आपसे हाथ जोड़ के है कि बिल्डिंग थोड़ी धोखादायक है, एक रात आज यहाँ से निकल के कल अपने को चाबी मिल जाएगी। अभी क्या करो तुम? देखिए ऐसी जो खबर मिली कि एक बिल्डिंग का थोड़ा सा हिस्सा झुक गया है, टिल्ट हो गया है, मैं यहाँ पर आया और एमएमआरडी का जो काम चल रहा था उससे ये संभावना जताई जा रही थी कि इसकी वजह से जो है नीचे की ज़मीन हट गई और थोड़ा सा बिल्डिंग का जो फुटिंग है उसके अंदर वाटर सीपेज होने की वजह से ये मामला हुआ है। संबंधित सारे अधिकारी यहाँ पर आए, हमारे एमसी साहब, सागर सोलंकी साहब, हमारे गोसावी साहब और तमाम पाठक साहब और सारे लोग यहाँ पर आए, और एक डिसीजन ऐसा लिया गया कि फिलवक्त लोगों को जान की हानि ना, नुकसान ना देखते हुए एक बिल्डिंग खाली कराई जाए और इनको कल सुबह में दोस्ती के अंदर शिफ्टिंग दी जाए, कि ये इसी आशंका है कि जो रिटर्निंग वॉल हमारे ब्रिज की बन रही थी इस बाईपास की, इस रिटर्निंग वॉल को जब हमारी पहले बातचीत हुई थी हमारे सारे एमएमआरडीए के अधिकारियों से, हमारे गोसावी साहब थे, सागर सालों के साहब थे, तो ये बात थी कि जो रिटर्निंग वॉल के लिए एक्सकवेशन करना है ये 10 फीट से ज़्यादा ना हो, ये 10 फीट से ज़्यादा ना हो ताकि इसके अंदर सॉइल इरोशन ना हो या वाटर सीपेज ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो इनका मीटर है थोड़ा सा लंबा हो गया, 80-90 फुट के करीब हो गया, तो उसकी वजह से एक ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद ये एक रीज़न हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें पॉजिटिव हो गई, सारे हमारे टीएमसी के अधिकारियों ने अपने आला अफसरों से बात करके ऐसा निर्णय लिया है कि कल ये सारे लोगों को सुबह 11 बजे दोस्ती में शिफ्ट किया जाएगा।